यहाँ मम्मी पापा बैठे हैं, यहाँ पे जमाला हो रहा है, मम्मी पापा को माला पहना दिए, फिर पहले सबसे पहले पूजा हो रहा है, फिर पापा मम्मी को माला पहना रहे। अब मम्मी फिर सोचने लगी मेरे साथ क्या हो रहा है। हाँ, क्या हो रहा है भाई। तो अब बना रही हूँ मैं अभी सुबह का ब्रेकफास्ट। तो सुबह का ब्रेकफास्ट कहिए, खाना कहिए, कुछ भी कहिए, हमारे यहाँ तो खाना ही कहता है, ब्रेकफास्ट तो हम कहते नहीं हैं। और ये आलू गोभी की सब्जी और ये बन रहा है पनीर पराठा। जैसे कि मैं आपको, ये एवरीडे बनता है, मेरे बच्चे को बहुत पसंद है, तो उन्हें आज मंडे है तो स्कूल भी भेजना है, तो उन्हें लंच में मैं यही बना कर देती हूँ और अच्छे से खा लेते हैं वो लोग। और ये मैं बना रही हूँ बाकी सबके लिए आलू गोभी और मटर की सब्जी। आलू गोभी मटर की सब्जी की रेसिपी मैं इसके पहले भी शेयर कर चुकी हूँ आपके साथ, अगर आपको फिर देखना है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो दो हो क्या रहा है, देखो यहाँ पे पूजा हो रहा है हमारे यहाँ। मारो घर आता है उसी समय करना है ये। हाँ, जब हमारे यहाँ मारो घर आता है तो उसके पहले मारो की पूजा, पहले सबसे पहले लड़की करती है ना, मंडप की पूजा। तो ये मारो लगने से पहले का ये फोटो है, मुझसे पूजा करवाया जा रहा है। ये पूजा मेरे मौसा जी करवा रहे थे, ये जो है बैठे हुए मेरे मौसा जी हैं और उनके बगल में मेरी मासी है। देखिए, और ये है गाना बज रहा है और ये सब बैठे हैं। हाँ, चलो चलो चलो। दूसरी पेज है ये उस जिस दिन मेहंदी का रस्म था उस दिन का है ये। और ये जिस दिन ये भी वही था, ये भी मारो का ही पूजा है और मेहंदी भी लग रहा है उधर। और ये मंडप बन रहा है, यहाँ मंडप बन रहा है, मंडप बन रहा है। हाँ, ये देखिए यहाँ पे मंडप मेरा बन रहा है शादी का। और ये देखिए दूसरा, और ये डांस है, ये मेहंदी के रस्म का डांस है। और दूसरा देखिए, हम लोग ने ना पहने थे निकी, हम लोग के समय, मेरे समय नहीं था। गले में फूलों की माला देखिए, तो तुम्हारे में हम ये सब शौक पूरा करेंगे, है ना। ये देखिए, और ये मम्मी का मेहंदी। ये देखिए, और देखो यहाँ दो आंख है। लुक्स हाउ ब्यूटीफुल कलर इज दिस। ये देखिए, और ये देखिए कुछ बना है पिक्चर। हटाओ ना, हाथ हटाओ। और दूसरा देखने के लिए आप भी तो तैयार होंगे। रुकी रुकी बेटा, थोड़ा धीरे धीरे। ये देखिए, ये देखो सुटू दीदी मुझे मेहंदी लगा रही है, देख रही हो, छोटी सी है, इतनी छोटी थी उस टाइम सुटू दीदी। चलो नेक्स्ट, ये मेरी बहन है, मेरी मामा की लड़की। और ये मेरी मासी, ये मेरी मासी देखिए, ये देखिए, इसको देखिए और इसको देखिए, क्या कितना बदलाव आ गया है चेहरे में, और चेहरे में बदलाव। ये देखिए, ये मेरी तो मेरी मासी कर, ये मेरी मासी अभी बताई थी और ये प्रिया मौसी। हाँ, प्रिया मौसी सबको मेहंदी का पिक। और ये देखिए दो, एक और मेहंदी का पिक पिक्चर, दूसरा देखेंगे बेटा, देखने तो धीरे धीरे देखियो। ये मेरी नानी मम्मी को मेहंदी लगाई, मेरी मम्मी और मेरी बड़ी मम्मी। ये मेरी नानी है। हाँ, ये तुम्हारी नानी तो मेरी मम्मा हुई ना। हाँ। ये देखिए, इसमें मेरी बहन है निक्की, सुट्टू है और पीछे भाभी है। चलो देखिए, ये मेरी, ये है पता नहीं, ये देखिए, ये मेरी नानी है। ये देखिए, बहुत सारे लोग, जब आप ब्लॉग देखने लगेगा तो आपको खुद समझ में आने लगेगा। ये मेरी मासी है, मेरी मम्मी से छोटी है ये। ये कब का रस्म है, मटकोर के दिन का, जब मटकोर के लिए माटी कोराने जाता है, तो ये उस समय का ये पिक्चर है। दूसरा देखेंगे। ये देखिए, यहाँ पे डांस हो रहा था, हम लोग मटकोर में गए हुए थे, यहाँ पे घर पे सत्यनारायण भगवान का पूजा हो रहा था। देखिए, और ये इसको कौन सा रस्म कहते हैं निकी, याद नहीं आ रहा। ढोल करके कुछ होता है ना, मानर पूजा। मानर पूजा होता है इसमें। हाँ। तो ये घर में, घर की बहुएं ही है, उस फैमिली की बहू ही ये रस्म करती है। तो देखिए, मेरी बड़ी मम्मी लोग हैं, भाभी हैं, मम्मी, यही लोग ये रस्म करती हैं। और ये देखिए, यहाँ पे मटकोर हो रहा है। ये देखिए, मेरी फुआ माटी कोरी थी, ये जैसा कि आप देख रहे हैं। चलो दूसरा, और ये देखिए,
हाथ नहीं बेटा, दाग हो जाएगा एल्बम पे। मम्मी कैसी लग रही थी उस समय तुम? मम्मी तुम्हारी भी शादी होगी ना तो ऐसे ही लगोगी। मैं तो ऐसे नहीं लगूंगी, मैं तो सुंदर लगूंगी। मैं तो सुंदर लगूंगी। अरे मौसी। हाँ देखो मौसी क्या कर रही है। मौसी के सर पे बिट्टी रखा है। ये देखिए हल्दी चढ़ने का है। और जब मुझे हल्दी चढ़ना शुरू हुआ था हल्दी के दिन का, मटकोर के दिन का, रात का है ना। और ये और मम्मी थाली में क्या ली है? थाली नहीं बेटा, मिट्टी का बर्तन है, उसमें हल्दी पिसा हुआ रखा हुआ है। और ये जो देख रही हूँ ये ग्रास है, ग्रीन ग्रीन ग्रास, जो काऊ खाती है, गाय खाती है जो। और इसी से इसका एक, इसको मोड़कर जैसे साग आता है ना पालक का, बाबा लेकर आते हैं उसी तरह से इसे बंडल बनाया हुआ है। इसी से सब लोग मुझे हल्दी लगाएंगे, ठीक है? हल्दी लगा रहे थे उस दिन। और ये पिक्चर ये पापा। हाँ, हाँ, मेरे पापा। हाँ नाना जी कितने रंग से, ये रंग से रंगा है, मुझे पता नहीं चढ़ला। और ये देखिए, ये देखिए, ये मटकोर के दिन। ये तुम लोग बड़ा फ्रेश फ्रेश लग रही हो रे, तुमने तो हम आटा से खेली थी ना। उधर होगा, अच्छा इधर है। हम लोग यहाँ का मटकोर ना मतलब हल्दी का रस्म, हल्दी होली हो, वो होली ही एक तरह का होता है, लेकिन होली में जैसे लोग रंग से खेलते हैं, हमारे यहाँ लोग हल्दी से खेलते हैं, वो भी गीली हल्दी से, गीला हुआ आटा से। देखिए आपको देखने में मिल रहा है, देखिए मेरी मौसी कितना सुंदर एक्सप्रेशन दी है ना चेहरे का। कोई आपको ऐसा इंसान नहीं उस दिन दिखेगा, चाहे लेडीज हो या जेंट्स हो, जो कि आटे से और हल्दी से ना खेला हो। ये देखिए यहाँ पे शुरू है, जंग चल रहा है। तो आप लोग को मेरा हाईलाइट वीडियो का, शादी का हाईलाइट बहुत पसंद पड़ा था, और आप लोग के कमेंट करने के बाद ही मैं ये एल्बम आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। इसलिए प्लीज कमेंट भी कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा। और ये देखिए मेरी मम्मी भी कम नहीं है, खेल के बैठी हुई है ना रे। हाँ मेरी मम्मी, हमें नींद लगा रहे हो, देखना कहाँ पे। देखिए मीहुल ठीक है, कद रहे, मम्मी सोच रही है कि क्या हो रहा है। और ये देखिए, ये देखिए असली हीरो हीरोइन तो मेरे मम्मी पापा लग रहे थे उस दिन। जब जब मम्मी चल गई और पूजा हुआ। मम्मी चल नहीं गई थी, मम्मी चल गई। ये बारात के दिन का था ना बेटा, मम्मी इसके अगले दिन जाएगी। नहीं रे, इसी दिन, ये बारात के दिन का फोटो। हाँ, इसके अगले दिन विदाई। हाँ विदाई अगले दिन था। ये देखिए मेरे मम्मी पापा, कौन सा ये कौन सा रस्म है निकी, क्या कहते हैं उसको, मातृ पूजा। हम लोग के यहाँ इसे मातृ पूजा कहते हैं, देहाती लैंग्वेज में मातृ पूजा भी कहला जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे अपने से बड़ों का पैर छूकर उन्हें आशीर्वाद के रूप में कुछ दिया जाता है, जैसे कपड़ा पैसा जो भी आप दे सके। और बड़े जो भी बड़े वहाँ पे रहते हैं वो अच्छत से टीका लगाकर आपको आशीर्वाद देते हैं। और ये दूसरा, ये देखिए इसमें भी वही रस्म हो रही है मातृ पूजा की। और ये देखिए जब लड़की हल्दी के बाद नहा धोवा कर बैठती है ना, बहुत लेकिन की फ्रेश फ्रेश उस दिन फील होता है, 8 दिन के बाद नहाने को जो मिलता है। मम्मी भी फ्रेश लग रही है, मम्मी भी फ्रेश लग रही है। तो जैसे कि हम लोग क्या इसे कुंवरपत उतरना इसको कहते हैं। तो देखिए मेरी फुआ बनाई थी ये रस्म, मेरी फुआ की हुई थी, बना रही है। और हम लोग 5 कुंवारी लड़कियां बैठकर दुल्हन को लेकर, एक दुल्हन और 4 कुंवारी लड़कियां बैठती हैं उसके दोनों साइड दो दो लड़कियां, और वो खाना खाती हैं। दही और जो चावल बनता है, ये चावल चूल्हा पे बनता है, मिट्टी के बर्तन में, जैसे कुंवारे बर्तन जिसे कहा जाता है ना, कांचा बर्तन में वो चावल बनता है। तो जो ये खाना खाती, क्योंकि इसके बाद से लड़की कुंवारी नहीं रह जाती है, इसलिए लास्ट खाना कुंवरपत का भात कहते हैं इसे। और ये देखिए, ये देखिए ये शुरू हो गया जयमाला। और ये देखिए मम्मी का पहले शादी वाला स्टार्टिंग। तो ये देखिए ये, और ये देखिए यही शादी हुआ था मम्मी का, मुझे समझ आया। तो ये जो क्लोजअप लिए थे, तुमको पता है क्लोजअप घड़ी मेरा कितना हंसी आ हंसी है। देखो पापा, इस पे पापा बैठे थे, इस पर मम्मी बैठी थी, तुमको पता है। नहीं, इस पे मेरा शादी का फोटो 10 बार देख चुके थे, इसको पता नहीं रहेगा।
फोटो कर रहे हैं, वीडियो जितना हमने देखे उतना ही देख चुकी है। इसको एक एक आदमी एक एक रस में इसको याद है। और देखो मौसी, मौसी कितनी सुंदर लग रही थी पिंक साड़ी में, मुझे पहचानी। साड़ी नहीं पहनी है, लहंगा पहनी है मौसी। ये देखिए कौन सा मेरा फोटो का मजाक उड़ाता है सब, जिसमें ऐसे हाथ किए हुए हैं इस तरीके से उल्टा हुआ। ये नहीं था, ये देखिए इसे मेरा क्लोजअप है। और ये ऐसे रोबोट लग रही थी मम्मी। नहीं बेटा तुम अपने शादी करी, दूसरा दूसरा क्लोजअप करना। देखो मम्मा ये देखिए मेरे हस्बैंड के साथ रहेगा क्लोजअप। और ये है। हाँ अब तो प्री वेडिंग फोटो शूट भी होता है। और ये देखिए हमारे जमाने में ये सब कहाँ था, आज से 5 साल 6 साल पहले। देखिए लो ला रोली ड है बेटा, ड है ला डोली ला डोली। ऊपर का पढ़ो, ऊपर का। हाँ थटा सो बोकी लाडली। ये देखिए ये सब भी क्लोजअप ही है। इस समय हंसी आएगा मम्मी को तो कोई बात नहीं। मेरे मम्मी पापा के साथ मेरा फोटो है। ये देखिए ये तो और पूजा का फोटो है, जब बारात आ गई थी दरवाजे पे, तो उस समय जब मिलन होता है बरातियों के साथ, लड़की पक्ष का जैसे वर पक्ष का वधू पक्ष से, तो उस समय का मिलन के लिए लोग माला प्रणाम किए। इतना ना हंसने के लिए मजबूर किया लोग, तो हंसी आ ही गया था। देखिए और ये देखिए ये पापा का तिलक। तिलक नहीं है बेटा, ये द्वार पूजा का है। पापा पूजा? एक ही कलर का कोट दोनों समय पहने हुए थे इसलिए लग रहा है पूजा। और ये पापा बाहर बैठे थे शर्मा के। और ये था स्टेज पे जाने का समय। और ये तिलक के समय का है, बारात के समय का है। हाँ, और देखो मम्मी जयमाले के लिए निकल रही है रूम में से। तब का है ये। और ये दूसरा देखेंगे अपन, ये देखिए हम वो लोग सब देखेंगे, हम लोग सारे फोटोज दिखाएंगे। देखिए ये मम्मी पापा बैठे हैं और यहाँ जयमाला होगा मम्मी पापा का, ये जयमाला हो गया। और रुको यहाँ मम्मी पापा बैठे हैं, यहाँ पे जयमाला हो रहा है, मम्मी पापा को माला पहना दिए। फिर पहले सबसे पहले पूजा हो रहा है, फिर पापा मम्मी को माला पहना रहे। अब मम्मी फिर सोचने लगी मेरे साथ क्या हो रहा है। सोच रही है मेरे साथ क्या हो रहा है। और ये देखिए जयमाला का हो गया, और ये भी जयमाला का हो गया पिक्चर। और देखिए ये फूल का फूल लिया हुआ है, फूल लिया वाला। और ये है पापा एक और बार थोड़ा शर्माते हुए। और दूसरा देखेंगे। हाँ ये देखिए दूसरा। अरे देखिए मौसी गिफ्ट जयमाले के बाद उतर के फिर वापस जाते हुए है ना बेटा। हाँ, और मौसी गिफ्ट लेकर चल रही है। ये सब कोई हाँ ना, ये सब कोई खाना खा रहा है। पापा के जितने भी रहे ना, पापा के बैंक के स्टाफ हैं लोग, ये सारे लोग समझी। और ये कौन है? ये भी मेरे बड़े पापा है, ये तुम्हारे बड़े पापा है। देखिए मेरे नाना जी कहाँ है, देखो मौसी है, मौसी की फ्रेंड। उनका मौसी और मौसी की फ्रेंड। ये कौन सा? बड़े पापा हैं रे। किसके? अरे मंगल जी के पापा। ये बाल कलर किए हुए इसलिए नहीं पहचान में यार। ये देखो फिर मेहुल के बड़े पापा हैं। हाँ, निकी मौसी। स्वागत तब बहुत अच्छा से की थी, लोग आज तक स्वागत याद रखता है। मौसी है, पैसा भी और वो कैंची भी। ये देखिए यहाँ पे जैसे कि गहना चढ़ाने से पहले जैसे भसुर लोग आते हैं लड़के के बड़े भाई, तो उनकी भी आरती उतारी जाती है कि उनको कमी ना महसूस हो कि हमारी आरती नहीं उतरी थी। अरे बड़े पापा कैंची से काट रहे हैं। हाँ देखो तो मिनिस्टर की तरह कैंची से काट रहे हैं फीता। जैसे कि पहले बार नौकरी लगाए। अच्छे लग रहे हैं बड़े पापा, अच्छे लग रहे हैं ना। और दूसरा देखने के लिए आप क्या होंगे? मौसी और प्रिया मौसी पैसा भी ली थी उनसे। हाँ। और ये सब ये बड़े पापा ना ढेर सारी साड़ियाँ लेकर आए थे, ढेर सारे गहने ज्वेलरी लेकर आए थे, वो तो चढ़ा रहे हैं। हाँ मुझे दिए थे, मतलब गोद भराई का रस्म। गोद भराई नहीं हुआ था यार।
गोद बनाई गए उसने। नहीं बेटा, इसको गहना चढ़ाई कहते हैं, मतलब गोदी बनाई। हाँ, तुमको जो समझ में आए तुम वही समझ लो। देखो तो ये भी वही रस्म है। हाँ, ये भी वही रस्म है। और ये देखिए, वो भी वही रस्म है। और ये देखिए, मम्मी को कुछ बांध दिए ऐसे। बांधा नहीं, वो जो पहना है ना गले में माला, वही है। थोड़ा सा ही नीचे जा रहा था तो ऊपर ही अटक गया। हाँ, छोटा था और लहंगे के आंचल के कारण, दुपट्टे के कारण नहीं गया। तो हमारे यहाँ जो इस तरीके का पहना जाता है, बहुत सारे लोगों को पता होगा कि इसे ढोलना कहते हैं। ताक पात ढोलना पूरा नाम इसका। इसे सवा महीने तक पहना जाता है और सवा महीने के बाद खोल भी सकते हैं, नहीं पहन भी सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन सवा महीना कंपलसरी है पहनना। तो जब गहना का रस्म हो गया, जब गहना चढ़ गया, साड़ी चढ़ गया, जो जो रस्म होता है हो गया, उसके बाद है, ये कौन रस्म होता है रे? इमली घोटाई मामा करते हैं, लड़की के मामा। तो देखिए, ये मेरे मामा है जो कि इमली घोटाई रस्म कर रहे हैं। अरे पत्ता काट के क्या आम का पत्ता काट के मम्मी के हाथ में दिया जाता है, मुंह में लेकर मम्मी के हाथ में दिया जाता है, माँ उसे पीती है। पता नहीं मम्मी पी ले रहे। देखिए, जब लड़का शादी करने आता है मंडप के पास घर पे, तो उसका परिछावन किया जाता है। तो हमारे यहाँ ये सिलौटी लोढ़े से परछावन, लोढ़े से परछावन किया जाता है। बहुत जगह पान के पत्ते से मिठाई खिला देता, पापा की कोट पर उसका रस गिरा दी थी। हाँ, आगे नहीं, मौसी खिला के पापा की कोट पर रस गिरा दी। हाँ, मौसी बहुत अजीब तरीके से खिलाई थी, कोट पे रसगुल्ले का रस गिरा दी थी। हाँ, मुझे पर पीला रसगुल्ला लग रहा है। ये देखिए, ये भांवर घुमाया जाता है मंडप में जाने से पहले। और पापा इस समय मेहंदी लगाते हैं हाथ में, लड़की जैसा, दान करने के लिए बैठे हुए हैं। और ये देखिए, पूजा हो रहा है। हाँ, पूजा नहीं हो रहा है, कन्यादान के लिए। अब ना यहाँ पे बेटा, पता है मम्मी पापा की शादी हुई थी। और इसमें ये क्या होता है? ये मम्मी पापा जो होते हैं ना लड़की के, जैसे मैं हूँ, मेरे मम्मी पापा मुझे दान दे दिए, यानी आज से मेरी बेटी आपकी हो गई, तो मैं पापा की हो गई। ओके, तुमको भी मैं दान दे दूंगी बेटा, बड़ी होगी तो। हाँ मुझे पर मैं शादी, ये सीन पे मैं कुछ नहीं बोल सकती क्योंकि बोलूंगी तो मुझे रुलाई आ जाएगा। अब ये क्या हो रहा है? शंख पे दान किया जा रहा है बेटा। नानी माँ रो रही है, कन्यादान के समय का है ये। नानी माँ रो रही है। ये देखिए, पापा मंदिर लगा था ना, तो पता ही नहीं चल रहा कौन पापा का हाथ है कौन मम्मी का हाथ है। मम्मी के हाथ में चूड़ियां हैं, पापा के हाथ में थोड़े दाग है ना, तो बैंगल्स लग रहे हैं। बैंगल्स। और ये क्या है मम्मी? ये फेरा का फेरा लिया जा रहा है, उस समय का है। फेरा लेते समय भाई जो है वो लावा देता है, और पीछे से जो लड़का होता है वो लड़की के हाथों से लावे को अग्नि में ही गिराया जाता है। तो आग में उसे गिराया जाता है। हाँ, तो उस लावे को अग्नि में गिराया जाता है, तो उसे लावा फेराई हम लोग के यहाँ उस तरीके का रस्म कहते हैं। यहाँ पे देखिए, सात फेरों वाला है। अरे देखिए मम्मी, ये सिंदूरदान का है जैसा लिखा हुआ भी दिख रहा है। आधा बार ना पिंक हो गया है। ये देखिए, सिंदूरदान के समय का फोटो है ये। पापा से सिंदूर लगाए थे, तो पापा से ना मेरी शादी हुई थी बेटा, पापा ही ना लगाएंगे। दूसरी फोटो ये देखिए, यहाँ का रस्म के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे हम लोग के यहाँ जिस तरीके का रस्म होता है, बिहार में जिनकी भी शादियाँ होती है ना उनको पता होगा, जो लोग बिहार के नहीं है, बाहर के हैं, उनके लिए बता रही हूँ कि एक जो जिस पे सिलवट पे जिस पे मसाला पीसा जाता है वही रखा रहता है, लड़की उस पे अपना पैर रखती है और लड़का उसका पैर हटाता है। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि तुम्हें घर की दहलीज के अंदर रहना है, लड़का ये कहता है। लड़की कहती है कि नहीं, मैं घर की दहलीज के बाहर भी जाऊंगी, लेकिन लड़का कहता है कि नहीं, तुम्हें घर संभालना है, घर की दहलीज के अंदर ही रहना है। तो यही इस विधि का मतलब हुआ, जैसा कि आप देख रहे हैं, तो इसका मतलब यही हुआ। और दूसरी फोटो,
आप लोग ऐसे कहीं भी कुछ नहीं समझ में आए कुछ कमेंट करना, प्लीज कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए रोने से मेरा चेहरा कैसा हो गया था, मम्मी का बाल बिखरा, बाल बिखरा हुआ। जब सिंदूरदान हो जाता है, जब लड़का लड़की को सिंदूर लगा देता है, उसके बाद जितने भी घर में सुहागन औरतें होती हैं सभी बारी बारी आकर सिंदूर लगाती हैं, जो जिसमें सिंदूर रहता है उससे सिंदूर लगाती हैं। फिर अब ये लास्ट सीन है विदाई का, जिसमें मम्मी ससुराल चली गई। कहाँ गई थी ससुराल? ये देखिए, हाँ ये इसमें लास्ट में हमारे यहाँ एक और रस्म होती है कि जब लड़की घर से विदा होती है तो लड़की का भाई, कोई भी लड़की का एक भाई हो, उसके जाता है लोटे में पानी लेकर और एक मतलब साफ नया कपड़ा लेकर, सूती कपड़ा लेकर लड़की को पानी पिलाकर, उसे जैसे हमारे यहाँ कुल्ली कराया है ना, कुल्ली पानी उसके पीकर, उसको पीना नहीं है, उसको बाहर फेंक देना है। जैसे गाड़ी में बैठे हैं तो गाड़ी के बाहर उसको पानी को फेंक देना है, और जो कपड़ा होता है उसे लड़की का पैर पोछकर, मुंह पोछकर, मुंह हाथ पैर पोछकर, फिर उसे भगवान जहाँ रहते हैं घर में, जो देवी देवता रहते हैं वहां पे रख दिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि घर की लक्ष्मी, हमारा जो हमारे घर की लक्ष्मी बेटी होती है तो उसके साथ हमारे घर की सारी सुख संपत्ति ना चली जाए, दलिद्रता ना आ जाए, इसलिए लक्ष्मी का कुछ अंश घर पे रहे, उसकी यही मान्यता है। तो ये लास्ट है, अब ये देखिए लास्ट का है। तो आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो ना, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बहुत सारे लाइक कीजिएगा, ठीक है, सारे लाइक कीजिएगा, बहुत सारे। हाँ तब तक के लिए बाय बाय। अच्छा अब पूछो कि मैं वीडियोस में आती हूँ तो आप लोगों को कैसा लगता है, पूछो इन लोगों से। मैं वीडियोस में आती हूँ तो आपको कैसा लगता है? थोड़ा पीछे जाओ बेटा, तुम तो पूरा कैमरा ही कैप्चर कर ले रही हो। चलो बोलो, अगर मैं वीडियो में आती तो आप लोग को कैसा लगता है, फिल्म कैसा होता है बता दीजिए, कैसा लगता है ये फिल्म, कैसा लगता है अगर कमेंट करके बताइएगा। फिल्म अरे कौन है? नहीं बेटा उसी, ये लास्ट का है बेटा। अरे देखिए अब ये बंद करके फिर जहाँ से निकाली थी उसी में इसको रख दो, पहले ये था। हाँ तो उसे कवर करो, उसका कवर भी होगा, दो कवर देखते हैं। ये इसका ट्रॉली, ट्रॉली के अंदर होगा। छोड़ो छोड़ो, तुम छोड़ो, उठेगा भी नहीं। अब तब तक के लिए बाय बाय। यही ना होता है शादी का, हमारी शादी की यादें। अब मौसी का शादी हो रहा है ना, अब मौसी की शादी के बनेगी, मौसी के शादी का देख, घर पर बैठ के देखा जाएगा।